अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हरूफ तहजी की खूबसूरत आवाज़ों की दुनिया में खुश आमदीद। उर्दू ज़बान सकाफत, शायरी और तारीख से मालामाल ज़बान है। इसका रस्म الخط फारसी अरबी रस्म الخط से माखूज है। ये 36 मुनफरिद हरूफ पर मुश्तमिल है। आज हम आपको हर हरफ और उससे मुतलक आवाज़ से आगाह करेंगे। आइए सबसे पहले अलिफ मद आ से स्टार्ट करते हैं। अलिफ के ऊपर मद लगाने से अलिफ मद दा बनता है, जिसकी आवाज़ है आ आम। याद रखिए कि अलिफ मद दा बजाते खुद एक हरफ नहीं है। उर्दू हरूफ तहजी का पहला हरफ अलिफ है। अलिफ अनार, ब बत्तख, प पत्ता, त तितली, ट टोपी, समर, ज जग, च चिड़िया, हलवा, हलवा, खरगोश, द दरख्त, द डॉल्फिन, ज ज़खीरा, र रॉकेट, ड पहाड़। रे लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल होता है, इससे कोई हर्फ शुरू नहीं होता, जैसे आड़ू, गाड़ी, घोड़ा, लकड़ी, गुड़िया वगैरह। ज ज़राफ़ा, ज यलावरी, सांप, शेर, सुराही, ज़ैफ, त तोता, ज़रूफ, अ ऐनक, गुब्बारा, फुवारा, क कोसे कज़ा, क कुर्सी, ग गुड़िया, ल लट्टू, म मोर, न नारियल, वैन, हाथी। हमजा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आता है। अगर ये वाव के ऊपर हो तो ओ की आवाज़, जैसे गाँव, छाँव, नाव, गाओ। अगर ये छोटी ये के ऊपर हो तो ई की आवाज़ निकलता है, जैसे नाई, रुई, सुई। और अगर ये बड़ी ये के ऊपर हो तो ए की आवाज़ निकलता है, जैसे गाय, चाय, पाए वगैरह। ई सुराही, टोपी, ए चाय, और ये। उम्मीद है कि आपको ये